हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज क्वेश्चन दैट मैटर्स। पांच सवालों की लड़ी जो आते हैं हमें हमारे फेसबुक आईडी पे ईमेल्स के ऊपर, और ये वो सवाल जो एक स्टूडेंट को एक्चुअल में कंसर्न करते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट इंडिया से जाने की प्लानिंग कर रहा हो या आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या कहीं भी बैठ के अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो। तो करते हैं शुरुआत अपने पहले सवाल से जो आया है ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। एंड द क्वेश्चन इज, ये जो न्यूज आ रही है कनाडा के अंदर दैट सीबीएसए ऑफिसर्स इल्लीगल काम करने वालों पे रेड कर रहे हैं एंड वीजा कैंसिल कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअली में कर सकते हैं? अगर मुझे यहाँ रहना है कनाडा फॉर अ लॉन्गर रन तो कैसे रह सकता हूँ? वेल, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसए आज बहुत सारे ऐसे प्रेमिसेस पे रेड कर रहा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे इल्लीगल बंदा जो टूरिस्ट वीजा पे गया था एंड वहां जाके काम कर रहा है कैश के ऊपर। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कनाडा व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय द पीपल जिनके पास ऑथराइजेशन ऑफ वर्क है बट उनको काम नहीं मिल रहा। तो आपकी बात का आंसर बड़ा स्पष्ट और क्लियर देता हूं सर। आपका वीज़ा जब इंडिया से लगा, टूरिस्ट वीज़ा, उसके अंदर आप घूमने जा सकते हैं, यू नो, एक टूरिज्म प्लेस या एज अ टूरिस्ट की तरह अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं जितना आपको वीज़ा मिला या जितना आपका ट्रैवल प्लान था। अगर आपने वहाँ जाके उस टूरिस्ट वीज़ा की कंडीशंस को तोड़ के काम पे चले गए, आपको अपना वर्क परमिट चेंज करवा लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो हो जाता तो आज शायद आपको इस सिचुएशन को फेस करने का अपॉर्चुनिटी, चांस या कोई वर्ड यहाँ पे लगा लो, नहीं मिलता। सी, फॉर एवरी वीज़ा के साथ सर्टन कंडीशन आती हैं। सर्टन कंडीशंस के साथ आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट आप उन कंडीशंस का पालन करेंगे। फेलियर टू डू सो, आप एक मौका देते हैं इमिग्रेशन कनाडा को या किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन को, रादर आपका वीज़ा कैंसिल करने का। कनाडा के अंदर टूरिस्ट वीज़ाज जब लाइन लगी थी तो बहुत सारे लोगों ने वहां जाके अपना वर्क परमिट कन्वर्ट किया था, क्योंकि वहां प्रोविजन थी, योर टूरिस्ट वीज़ा कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क परमिट। बट कई लोगों ने किसी भी कारण, कॉस्ट का कारण होगा, पैसे या अपॉर्चुनिटी या एनी अदर रीज़न, कन्वर्ट नहीं किया था एंड दे वर डूइंग द वर्क विदाउट चेंजिंग द वीज़ा। आज वही लोग उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये डर सताएगा, काम पे जाना है तो कैसे जाना है, कहीं आज सीबीएसए की रेड ना हो जाए। बट एक चीज़ ध्यान से सोचिएगा, अगर टूरिस्ट वीज़ा बगैर वर्क परमिट चेंज किए काम पे जाता है तो क्या ये इंसान किसी और वीज़ा होल्डर का राइट नहीं ले रहा? क्या वो स्टूडेंट या वो वर्क परमिट होल्डर जिसके पास काम करने की परमिशन है, टूरिस्ट वीज़े ने उसकी स्पॉट आके उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कर दिया? तो इन इफेक्ट अगर ये टूरिस्ट वीजाज के लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां एक ऑथराइज्ड वर्क परमिट वाला बंदा वहां रह के उस काम को कर सकता है विद फुल गवर्नमेंट सपोर्ट एंड मिनिमम वेज रेट। एक खबर आई जिसमें इंडिया एंड कनाडा के बीच पॉलिटिकल प्रेशर कंस्ट्रेन या खींचातानी दोबारा देखने को मिली, जहां कनाडा एंड इंडिया दोनों ने डिप्लोमेट्स वापस भेजने को कहा। क्या इसका इम्पैक्ट मेरा वीजास पे आएगा, स्टूडेंट वीजास पे? अगेन ये क्वेश्चन है इंडिया में से। वेल, द आंसर इज आई डोंट नो एक्चुअली, आई एम नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर ऐसी सिचुएशन आई थी तो प्रेशर किस पे आया था? टाइमलाइन पे। टाइमलाइन जहां पे एक वीजा ऑफिस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर डिसीजन देता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कपल ऑफ वीजा ऑफिसर्स और सीनियर वीजा ऑफिसर्स, आपका टाइमलाइन वहां पे प्रोसेसिंग बढ़ जाता था। दैट्स व्हाट आई कुड फिगर आउट एज ऑफ नाउ, बट कुछ हुआ मेरे इंफॉर्मेशन के अंदर तो आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विद यू, बट एज अ लेमैन आई डोंट थिंक इट इज क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। But again, at a political level or how things will shape up in coming weeks, वो time ही बता पाएगा। चलते हैं question number 3 पे, जो आया है हरियाणा से। It says, what is the chances of getting spouse visa
ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर मेरी वाइफ ने वहां जाके यूनिवर्सिटी बदल ली है बट कोर्स का लेवल चेंज नहीं किया है। वेल, ये आम सिनेरियो होता है जहां एक एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर वीजा लेके जाता है एंड वहां जाके दूसरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बदल लेता है। पहली चीज तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप कंपेयर करते हैं, एक चीज मेरा यूनिवर्सिटी बदली है बट अगेन कोर्स का लेवल नहीं बदला है। टेक्निकली आप ठीक हो, आपके वीजा पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एज लॉन्ग एज आप अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट और नया कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन अपनी फाइल के अंदर लगाते हैं। हाउएवर, इसमें एक हिडन चीज क्या है, आप एक अच्छी भरी यूनिवर्सिटी को छोड़ के पैसों की कंपैरिजन के बाद अपने कोर्स को कॉलेज में ले आए, आपने वो मौका तो संभाल लिया बट उसका इम्पैक्ट आएगा आपके आने वाले फ्यूचर प्लानिंग पे, दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी। और उसी भीड़ को आप ज्वाइन करोगे जो कहते हैं इस कंट्री में पीआर नहीं है। भूल जाएंगे मैंने आज से 1.5 साल पहले एक कंडीशन तोड़ी थी या अपनी किसी मजबूरी के कारण मैंने अपने कोर्स के स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था। अब एक सिंपल चीज, लॉजिक वाली चीज देखिए, एक यूनिवर्सिटी जहां 40,000 बच्चा पढ़ता है अलग अलग नेशनैलिटी का, उसके कोर्सेज, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही चीज को जाते हैं आपको एज ए स्टूडेंट कामयाब करने का, आपकी जॉब की तरफ आगे बढ़ने का। आप उन सब चीजों को छोड़ के ऐसे कॉलेज में जाते हो जहां शायद जाने की जरूरत नहीं, जहां शायद 2 दिन जाना पड़ेगा और जहां शायद आपको एक जेनेरिक प्रोग्राम मिलेगा जिसकी जॉब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया में उस भीड़ में आते हैं जिन्होंने कोर्स चेंज किया और कॉलेज चेंज किया बट लेवल चेंज नहीं किया, पर मन की तसल्ली है मेरा वीजा ओके है, 100% वीजा ओके है, बट क्या जो कनाडा में हुआ PGWP के सर्टन सेगमेंट बांट दिए गए, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है? वेल, यू नेवर नो, हर कंट्री एक दूसरे से सीखती है। वेल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट, आपके केस में अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लगाते हो पिछली यूनिवर्सिटी की प्लस नए कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन, इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर और एप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 4 आया है दिल्ली से, जो लिखते हैं, अगर मुझे $10,000 का स्कॉलरशिप मिला है ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे कितना शो मनी दिखाना पड़ेगा? वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल। शो मनी का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस और अपना एयर ट्रेवल दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स। अगर आपके ट्यूशन फी के अंदर ये $10,000 स्कॉलरशिप आपको पहले साल में दे रही है यूनिवर्सिटी, देन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस फिगर। मान लीजिए आपकी ट्यूशन फीस 40,000 है, 10,000 स्कॉलरशिप जो आपको पहले ईयर में दिया गया है और इसके लिए आपको ऑफर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज शुरू होती हैं सेमेस्टर 2 से और ईयर 2 से। तो आप ये चेक करेंगे, अगर ये $10,000 ईयर 2 में है तब आपकी फंड कैलकुलेशन $40,000 से होगी। अगर आपकी 10,000 स्कॉलरशिप ईयर 1 से है, देन आपकी ट्यूशन फीस का कैलकुलेशन $30,000 से होगा। एंड फॉर द सेफ साइड, काइंडली रेफर ओएनडीए वेबसाइट, OANDA, ताकि आप कन्वर्जन रेट उठा के उस हिसाब से अपना इंडियन रुपीज का कन्वर्जन निकाल सको फॉर द डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 5 आता है चंडीगढ़ से, जहां पूछा जाता है, क्या मुझे यूके के अंदर अपने स्पाउस के साथ जाने का मौका मिलेगा मास्टर्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में विद MOI? द आंसर इज नो। लेट्स अंडरस्टैंड, मास्टर्स बाय कोर्स वर्क एंड मास्टर्स बाय रिसर्च दो अलग अलग लेवल के प्रोग्राम हैं। लेवल से मेरा मतलब डिमांड एंड आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोग्राम। रिसर्च नीड्स लॉट ऑफ योर अटेंशन, लॉट ऑफ योर टाइम एंड लॉट ऑफ योर स्किल्स, जिसको आप रिसर्च पेपर में डालेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, डिसर्टेशन बनाएंगे, जो कल आपको PhD के लिए क्वालिफाई करवा सकता है। इसके बेस पे MOI जाना एंड MOI फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज दैट वी हैव इन दीज एरियाज विल नॉट मेक सेंस एट ऑल एज ऑफ नाउ। जो भी यूनिवर्सिटीज इस लेवल का मास्टर बाय रिसर्च दे रही हैं जिसमें आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, दे नीड IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6, कुछ यूनिवर्सिटीज 6.5 नॉट लेस देन 6 इन राइटिंग, बाकी में 5.5 हो सकता है। एंड मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइज एंड सजेशन, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कामयाब होने की बात कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट स्टेप बैक
अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को निखारने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम आएगी वहाँ जाके कामयाब होने में। स्टूडेंट वीज़ा का डेफिनेशन इज चेंजिंग ऑल टुगेदर, अंडरस्टैंड। आज किसी भी कंट्री को सिर्फ हेड काउंट करने के लिए लोग नहीं चाहिए। आज इन सब कंट्रीज़ को जिनकी हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इवन न्यूजीलैंड एंड यूएसए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, चाहिए वो लोग जो ब्रेन लेके आए और उनके प्रोडक्ट, कंट्री एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। दैट मीन एन एजुकेशन विच सर्टनली लीड यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क परमिट एंड परमानेंट रेजिडेंसी, अगर आपका थॉट एंड प्रिपरेशन डे वन से स्टूडेंट वाला है। इफ यू आर लुकिंग टू गो देयर एंड वर्क, वहां पे काम करने के उस जा रहे हो ताकि जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा, देन यू हैव लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स एंड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन दीज कंट्रीज, जहां आप अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक रखिए, मैं पहुंचूंगा, काम करूंगा एंड जो पैसा बनेगा वही मेरा है, फ्यूचर मेरा है कि नहीं है मेरे को नहीं पता। सो ये बड़ा सिंपल सवाल आपके बड़े सिंपल भाषा में जवाब दिए गए। ज़रूर शेयर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जिनके लिए ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप इस रील को देख रहे हैं, आपके सर्कल में भी कई ऐसे थॉट होंगे लोगों के जो बाहर जाने की सोच रहे हैं। प्लीज़ स्प्रेड द नॉलेज बियॉन्ड योर फोन टू द पीपल जिनके लिए मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे।